हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सोनी लाइफ। तो अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और अभी हमारे इधर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तेज़ हो रही इसलिए नहीं दिख रही है, मतलब तेज़ नहीं हो रही, बहुत ही स्लोली हो रही है। लेकिन इस बारिश में भीगने पर खांसी ज़ुकाम हो जाता है, ऐसा मेरे लोग कहते हैं घर के। और हम सब ने अभी जामुन खाया था तो उसी की वजह से हमारा दांत अगर थोड़ा ब्लू ब्लू आ रहा है तो उसे इग्नोर करें। और ये है मेरे घर, मेरा घर मतलब, और हम आ चुके हैं अपने मामा के रूम में। अभी यहाँ पे कोई नहीं है। और ये रहा उनका रूम, ग्रीन ग्रीन। यहाँ का वाइब जो है पूरा ग्रीन है, ग्रीनिश वाइब है, मेरी मामी कह रही है। और ये है हम। दरअसल बात ये है कि हाँ आ रहे, ये देखिए हमारे घर के नौकर है ये। इनको हम लोग बस दो वक्त की रोटी देते हैं और हमारा सारा काम कर देते हैं। हेलो गाइस, दृष्टी के बातों पे नहीं आइएगा, नौकर असली हम लोग का यही है। झूठ बात है गाइस, हम लोग का नौकर नहीं, हम आ रहे मालिक है ना, हम थोड़ा सा काम देखते हैं। नहीं नहीं नौकर है, अभी हम आपको इनको काम दिखाते हैं कौन सा काम करने जा रहे हैं। ये देखिए गाइस, हम इनसे ये काम करवाते हैं, हम इनसे गाड़ी धोवाते हैं और बहुत सी कुछ। ये मेरी नानी है, नानी शर्मा गई। दरअसल बात ये है कि हम लोग इनको ना हम लोग गैराज से उठा के लाए थे, कोई गैराज में हम लोग गाड़ी बनवाने गए थे। तो मेरी नानी तब से इनको अपने बच्चे जैसा पालती है। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। वो है, आप सब जानते कौन सा आशीर्वाद। लाइट भी आ गया, देखिए सही बात बोला है हमने। चलिए चलिए चलिए, अभी लाइन कटा हुआ था हम लोग के तरफ में और आज हम सच बोल रहे हैं, लाइन कटा हुआ था। नहीं झूठ बोल रहे हैं, हम 2 बजे तक टीवी देखे थे फिर से। गाइस पता नहीं क्यों ये सच सवर के बैठ जाते हैं जब भी वीडियो का नाम सुनते हैं तो। नहीं आज भी हम चलान भर के आ रहे हैं। हाँ, इनके साथ हुआ है एक। ऑलवेज केयर हेलमेट विथ यू व्हाइल यू आर ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चला रहे हो हेलमेट जरूर पहने वरना आपको मेरी तरीके से चलान भरना पड़ेगा। हाँ, देखिए पैसा लेने भी बुला रहे, इनका काम हो गया तो इनको पैसा भी मिलता है। मेरी नानी बहुत अच्छी है गाइस, बहुत अच्छी, जब भी इनसे काम कराती है तब इनको पैसा देती है। और ये पैसा का पता नहीं क्या करते हैं, वही चलान वालान भरते आते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा है हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग इनको रखे बचपन से तो इनका शादी भी हम ही लोग कराए हैं। ये देखिए इनकी बीवी, ये इनकी बीवी, ये हम लोग के पसंद की है। पागल जैसा एकदम, ये हम लोग के पसंद की है। ये पता नहीं क्यों क्यों हम लोग के साथ ढकेल रहे हैं। देखिए गाइस इनके हाथ में पैसा है, मेरी नानी देखेगा, ये दिखाइए दिखाइए पैसा दिखाइए। देखिए गाइस इनके हाथ में पैसा जो है कहाँ रख रहे हैं। बस 200 रुपए मिला हमको, 200 नहीं है गाइस, देखिए सिर्फ आटा उठवाने का इतना पैसा लेती है नानी, देती है सॉरी लेती है कह रहे हो। ये हम दिए थे नानी को, नानी वापस की हमको। झूठ बोल रहे सब, झूठ बोल रहे, सच बोलते हैं, झूठ बोल रहे। आ तुम स्कूल का ही नहीं गई आज, सो बताओ ना। हम लोग के घर में पूछा था ही चाहिए। हाँ देखिए गाइस, स्कूल स्कूल जाती नहीं है, जाते हैं। ये आंगनबाड़ी में पढ़ती है इसलिए स्कूल नहीं जाती है। जिस दिन स्कूल में इसको पता चलेगा अच्छा अच्छा खीर और पुलाव बन रहा उसी दिन जाती है स्कूल, थाली लेकर के बैग में, और फिर खाना खा के आती है। बोरा, हाँ बोरा भी लेके जाती है चटाई, और उसी में बैठ करके फिर खाना खा के आती है।
ऊपर से हमको मेरे स्कूल का ऊपर से आज ट्यूशन भी नहीं गई है, बारिश हो रहा था। वहाँ कहाँ हो रहा बारिश? आप लोग क्या बोले, ऑटो नहीं चल रहा है? ऑटो का ही नहीं चलेगा, आप लोग ही बोले। परचोर है गाइस, परचोर बोलते नहीं नहीं, इनको रिक्शा में डांट मिलते आता था, फेल हो जाते थे। और नानू इनको बहुत डांटते थे लेकिन बहुत प्यार करते थे, सबसे ज्यादा इनको प्यार मिला है पूरे घर में। लेकिन तुम्हारे लिए मार रख दिए मेरे मामा पेटू है क्योंकि उनके पास पेट है, नहीं खेत है, खेत कहेंगे एटलीस्ट। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, चिंता लग रहा है वो, क्योंकि वो उसका है इसीलिए जी वाला है। हाँ चिता चिता लग रहा है, ऐसे लगता है। मामी को भी दिखाइए, आगे कुछ बोलो। क्या बोलेंगे आगे कुछ? दाल बर्तन धोने गए धोइए। आज पता है गाइस, मामा ने मेरी कितनी अंगूठियां पहनी है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बपीदा। और मैंने एक कान में देखा कितना अच्छा इयररिंग पहना, मेरा एक कान के इयररिंग फेंका गया कहीं रोड में, उसको गिर गया बोलते हैं, फेंका गया क्योंकि हम दौड़ रहे थे। नानू को बुलाए थे राशन का सामान, पर्ची छोड़ के चले गए थे, तो हम उसमें कुछ कुछ ऐड कर दिए चुपके से। हाँ पता नहीं लाए कि नहीं लाए, वो भी नहीं पता क्योंकि सामान अभी तक नहीं लिखे, लेकिन वो आप ही के लिए मंगवाते हैं। हाँ हम देखते हैं ज़्यादातर गरीब लोग ऐसे चुपके से लिख देता है कुछ ना कुछ राशन में। तब आपके लिए नहीं बनाएंगे, अब छोड़िए उसको, कैंसिल कर दिया, हम सोचे थे आपके लिए बनाएंगे, नहीं बनाएंगे अब। हाँ आप मेरा दिल तोड़ दिए, अब हम नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, हम जो बनाने वाले थे। हम सोचे थे अपनी सुंदर सुंदर हाथों से, सुंदर सुंदर हाथों से बनाएंगे, लेकिन अब हम नहीं बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा? फैन का नहीं ऑन किया है क्योंकि आप लोग नहीं ऑन किए थे। जाओ ऑन कर दो अब, लो इतना देर हमको खखोरी ना, जाओ मामी को खखोरो, जाओ। पता नहीं वो क्या कर रही है गाइस, शायद वो बर्तन धो रही है। मेरी मामी बहुत काम करती है गाइस, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। मेरी मामी नहीं, आपकी मम्मी भी बहुत ही काम करती होंगी, उनके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, उनसे उनको सपोर्ट मिलेगा, मेरा वादा है। ये देखिए गाइस, ये फिर से खाने के लिए आ रहे हैं गाइस। बर्तन बर्तन अच्छे से दो। ये कह कौन रहा है गाइस? और यहाँ पर सब शांति शांति है क्योंकि यहाँ पे बॉस बैठे हैं, यहाँ पे जिसने हल्ला मचाने की कोशिश की, समझे उनकी। गाइस अब देखते हैं, अभी गई हैं सोनी मैम अपना किचन का काम करने, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, वो आएंगी तो हम लोग वापस जाते हैं शाम के टाइम में छत पे लूडो खेलने के लिए, और उसके बाद फिर खेल के वापस आते हैं, उसके बाद बाकी अपने अपने सब कामों में लग जाते हैं। यही है हमारा रेगुलर का रूटीन, और इसके अलावा दृष्टि जाती है ट्यूशन, तो कुछ टाइम के लिए घर में थोड़ा शांति का माहौल होता है, हम लोग आराम से रह पाते हैं।
और ना ये लड़की हमेशा हल्ला करते रहती है। स्कूल में भी मेरा जो बच्चा लोग है वो लोग ऐसे ही हल्ला करते रहता है, घर पे भी आते ऐसे ही हल्ला करते रहती है। हम छोड़ के चले गए ना, हमको याद मत करिएगा। हमको बच्चा लोग का नाम अच्छे से याद रहता है। मेरा नाम क्या है? दृष्टि नाम है। और का अपना घर का बच्चा का नाम भूल जाएंगे तो फिर हो गया। वैसे भी हम किसी का नाम नहीं भूलते, मेरा आदत ही नहीं है किसी का नाम भूल जाए। कटिहार भूल जाते हैं। अरे कौन सी जगह है? अरे कौन सी जगह है? अब वहाँ पे रहने वाली को भी भूल जाते हैं। उस छोटी सी बच्ची का नाम नहीं याद है। उसका नाम है टीका, मंतिका। हाँ भाई, ये कहीं बात है। हम लोग उसके पास जाने वाले हैं गाइस। उसका ना वो जुट्टी होने वाला है, हम लोग उसके पास जाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कैसे दिखती है। बड़ी सुंदर लगती है। उसका कान ऐसे है। वो एलियन जैसी है थोड़ी सी। और उसकी मम्मी मेरी मौसी है, इनकी बहन है। जब जाएंगे तब दिखाएंगे गाइस। अब हम लोग उसके मतलब वो जो वहाँ पे मुजुट्टी का सारा सेरेमनी है, रिचुअल होगा, वो भी दिखाएंगे। अगर तुम दिखाना मतलब दिखा पाओगी तो चलिए ठीक है गाइस। अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने काम करने के लिए, और आप लोगों से हम लोग हमेशा बराबर मिलते रहेंगे। हर बराबर अपने पर्सनल लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो सब आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है? तो फिर इसलिए हम लोग इनको करते हैं बाय बाय।